गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? तो अभी हम फ्रेश हो चुके हैं, फ्रेश होकर नाश्ता करने जा रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा कोचिंग और ये घर में ही रहेगा, फिर मैं कोचिंग से आता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, हम कोचिंग से आ चुके हैं और कोचिंग से आने के बाद मैंने नाश्ता भी किया फिर से दोबारा। उसके बाद मैं नूरजफर को कॉल करता हूँ, फिर साथ में मिलकर बाहर चलते हैं। फ्रेंड्स मैंने अभी कॉल किया था नूरजफर को, ये भी आ चुका है और साथ में मिलकर हम बाहर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम गांव के चौराहे में हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इधर का नज़ारा। यहाँ पर ऐसा ही है कुछ, यहाँ पर पीछे पेड़ वेड़ है केले का। चलते चलते यहाँ पर आ गए हैं, सारोज भाई वो लोग भी हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। देखिए ये सारोज भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया है फ्रेंड्स। ये जो है ये इलेक्ट्रीशियन है, इन्होंने पूरे गांव को, हमारे जो पूरा गांव है इस पूरे गांव में कैमरा लगाया। आपको मैं दिखाता हूँ, यहीं पर एक पोल है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में। देखिए आपको शायद कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जूम करके ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोग देखिए इसको। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिलिंग का भी काम करते हैं ये भाई। ये पूरे पंचायत का, इन्हीं के हैंड में है ये पूरे पंचायत में बिलिंग का काम। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा, जिस कैमरे के बारे में बोला है सरोज भाई ने लगाया। देखिए आप लोग देखिए कहाँ है, दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ आप लोग देख लीजिए वहाँ पर, हाँ बल्ब के पास में है। देखिए हाँ भाई भाई, ये देखिए एक भाई जा रहे हैं बॉडी दूध वाला, दूध वाला भाई। इन सभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बालवीर केला खाओ।
जर्दा है सुपारी जर्दा सुपारी नहीं किया हमारी मंदिर के है
गुड़ी बनाबे सब जितना खेला सब थूक लेबे बापे जब जेजे हारी वक्त फेंक देबे ए घर निकलो तुम घर निकलो निकलो घर निकलो निकलो है गिर बन देना है तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को कि वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे तो हम वहीं रुक गए थे और हमें भी बहुत मजा आ रहा था देखने में, इसलिए मैंने शूट भी कर लिया। हम बचपन में खेलते थे वो खेल, पता नहीं हमारे इधर में इस खेल को मैं तो भूल भी गया हूँ क्या कहते हैं, और उसी टाइप का खेल होता है, खो खो होता है, ठीक है, सेम टू सेम होता है ऐसे ही। वो दो बच्चे होते हैं, ठीक है, दो नहीं, आमने सामने दो टीम होता है, एक टीम से एक टीम वाला दूसरे टीम वाले बच्चे का नाम रखता है, दूसरा टीम वाला वो पहले वाले टीम का नाम रखता है, ठीक है, उस नाम से बुलाया जाता है, कॉल नेम से बुलाया जाता है। उसके बाद वो आके उसके यहाँ पर फोरहेड में थोड़ा सा चुबाता है ऐसे नाखून से, उसके बाद उसको नाम बताना पड़ता है कि किसने किया है, तो ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने भी ये गेम खेला होगा बचपन में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में आगे शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल, थैंक यू।